नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बदायूं जिले के थाना सहसवान क्षेत्र के ग्राम भवानीपुर में रात के समय एक जंगल के पास गौकशी के लिए एक गाय को लाया गया था, जिसकी सूचना पर थाना सहसवान पुलिस द्वारा मई टीम के साथ जंगल की घेराबंदी की गई और बदमाशों ने खुद को घिरा हुआ देखकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसपे पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए जवाबी फायरिंग की। इस दौरान बदमाश एक घायल हो गया है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जनपद बदायूं के थाना सहसवान में आज लगभग 11:30-12 बजे के आसपास SHO सहसवान को मुखबिर से जानकारी मिली कि सहसवान थाना क्षेत्र के भवानीपुर के गाँव के एक जंगल के पास दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोकशी की घटना के लिए गाय को लाया गया है। इस संबंध में SHO द्वारा तत्काल अपनी टीम के साथ वहां मौके पर पहुंचा गया और मौके पर पहुंचते ही जब घेराबंदी की गई तो इन बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जब फायरिंग की गई तो उसमें एक व्यक्ति जिसका नाम आलम पुत्र यासीन है, उसके पैर में गोली लग गई और वो भाग नहीं सका। दूसरा व्यक्ति फायरिंग करता हुआ वह अंधेरे का लाभ उठाकर वहां से भाग गया। घायल व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और CSC में भर्ती कराया गया, जिसका उपचार चल रहा है और उसके बारे में गहराई से जब जानकारी की गई तो इसके विरुद्ध पूर्व में भी गोकशी के और पुलिस मुठभेड़ के मुकदमे दर्ज हैं। इसमें और गहराई से छानबीन की जा रही है, अभियुक्त पंजीकृत कराते हुए इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। चलिए अब खबर झांसी से है, जहां पर सकरार थाना क्षेत्र के लोहार गांव में एक वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि इसमें एक युवक तमंचे पर डिस्को करता हुआ दिखाई दे रहा है। और बता दें, आप देखिए किस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रहा है और जिस दौरान देखिए यहां पर तमाम लोग तमंचे पर डिस्को करते हुए थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं झांसी के जेल में बंद 14 कैदियों में HIV पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद से जिला कारगर में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि जिला कारगर में 536 कैदियों को रखने की व्यवस्था की गई है। वहीं वर्तमान में 1600 कैदी मौजूद है। वहीं वरिष्ठ कारगर अधीक्षक ने बताया है कि सभी कैदी स्वस्थ हैं और उनका उपचार चल रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा रामचरितमानस और हिंदू संस्कृति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से गलत बयानबाजी से हिंदुओं की भावनाओं को काफी ठेस पहुंचने पर जनाक्रोश फैल रहा है। झांसी में आज इलाईट चौराहे पर राष्ट्रीय भक्त संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंचल अड़जरिया के नेतृत्व में दर्जनों लोगों ने बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा रामचरितमानस पर की गई गलत टिप्पणी पर कड़ी निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है और पुतला दहन किया है। बता दें, आप देखिए किस तरीके से तस्वीरों में ये पुतला दहन किया जा रहा है और किस तरीके से लोगों में एक अलग आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं आज आरसा के NGO के सौजन्य से आरसा NGO की टीम ने हर साल की तरह इस साल भी मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गरीब असहाय दिव्यांगों को कंबल बांटे हैं और साथ ही खिचड़ी का वितरण किया है। बता दें कि इस दौरान खिचड़ी वितरण करते हुए लोग नजर आए हैं। झांसी के आरसा NGO में हमेशा से ही हर क्षेत्र में ऐसे ही सराहनीय कार्य करते रहते हैं और बता दें कि आसरा NGO के अध्यक्ष पूजा शर्मा ने बताया है कि मानव सेवा बड़ा कोई कर्म नहीं होता, बिना कोई सरकारी मदद के ही हम सब समाज के लिए अच्छे भले लोगों के सहयोग से इस कार्य को कर पाते हैं, एक पुण्य का काम करते हैं हम। और देखा आपने किस तरीके से तस्वीरों में खिचड़ी का वितरण किया गया है, कंबल का वितरण किया गया है, काफी सराहनीय कार्य करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 28 दिसंबर को बच्चों के विटामिन ए की खुराक देने को लेकर चलाए जा रहे अभियान के क्रम में महाराजगंज जनपद के भी स्टेट UP मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन लखनऊ के जरिए विटामिन ए की
बता दें कि 6260 सिरप भेजी गई है, लेकिन महाराजगंज स्वास्थ्य विभाग के यह दवाई पहुंचाने के बाद से इसको, बता दें कि सैंपलिंग के लिए लखनऊ भेजा गया था। वहां पर ओके होने के बाद से इसे जनपद के सीएचसी और साथ ही पीएचसी पर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया। लेकिन जब बच्चों को विटामिन ए की खुराक देने के लिए सिरप को खोला गया तो वो इतनी जमी हुई थी जैसे कि बोतल के बाहर बोतल में घी जमी हुई हो। इसके बाद से इसको दोबारा रिटर्न करते हुए इस कप सिरप को लेकर अब कार्रवाई की गई है। इस कप सिरप को दोबारा भेज दिया गया है। ये विटामिन ए का जो है सोल्यूशन डीएसपीएम पखवाड़ा चलता है दिसंबर और जून में, उसके लिए उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन लखनऊ से भेजा गया था हमारे पास 6260 बोतल। इसका बैच नंबर है BPS010। जो सैंपल वहाँ से जो दवाइयाँ यहाँ आती हैं उसका एक बार सैंपल के लिए भेजा जाता है, जब लखनऊ से ओके हो जाता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है CSCPSC। लेकिन ये सैंपल वहाँ से ओके होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, CSCPSC भेजने के बाद ये पता चला कि जो है बोतल में दवाइयाँ जमी हुई, इसकी सूचना जो है उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन को दे दी गई थी, जिसके द्वारा फिर से जो है सैंपलिंग के लिए 100 बोतल मांगा गया। झांसी में सड़क पर एक युवक की मारपीट करने वाले 4 युवकों को 2 युवकों को पुलिस ने धर दबोच लिया है। इस घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई थी और यह पूरा मामला प्रेम नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिया नंबर 9 स्थित कछिया थाना, बता दें कि कछियाना मोहल्ले का बताया जा रहा है। यहाँ रहने वाले आरिस आसिफ के साथ 12 जनवरी को कुछ युवकों ने एक दुकान से खींचकर बीच सड़क पर जबरदस्त मारपीट की थी। वहीं झांसी जिले के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के आज प्रशासन ने बड़ी छापेमारी की है। यहां जहां बता दें कि मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों को बहला फुसलाकर प्राइवेट नर्सिंग होम में ट्रांसफर करने की कमीशन पर दलाली कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि आज जिला प्रशासन DIG जोगेंद्र कुमार, SSP राजेश, साथ ही बता दें कि इस दौरान तमाम वहां पे अधिकारी मौजूद थे और इन्होंने खुद जाकर वहां का निरीक्षण किया है। और आप तस्वीर देखिए किस तरीके से तमाम अधिकारी वहां पर निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान तमाम तरीके के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज रायबरेली पहुंचे। आपको बताते चले कि पूर्व कैबिनेट मंत्री और साथ ही 83 विधानसभा के इस दौरान उचाहार से विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे की माता विद्या देवी की बरसी में शिरकत करने पहुंचे थे अखिलेश यादव। और इस दौरान अखिलेश यादव ने रायबरेली पहुंचकर सर्वप्रथम डॉक्टर मनोज कुमार पांडे की माता को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही इस मौके पर समाजवादी पार्टी के विधायक मौजूद थे। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के मीडिया से संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पत्रकारों के द्वारा पूछे जाए सवाल के बाद अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी झूठे बेईमानों की सरकार है। इस सरकार में नहीं तो किसान सुरक्षित है और ना ही युवा बेरोजगार। इस सरकार में किसान न सुरक्षित है और साथ ही युवा भी बेरोजगार है। खाद की जरूरत है, किसान को उपलब्ध नहीं हो पा रही। हर कीटनाशक दवाई से लेकर के हर चीज किसान की महंगी हो गई और पैदावार को जो मूल्य मिल जाना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। और यही भारतीय जनता पार्टी, जब इन्हें वोट चाहिए था तो जनता को भरोसा दिलाया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हमारा आपका कैलेंडर बदल गया, 2023 आ गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी 2022 में ही है और उनके लिए 2022 आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर 2022 उनका आ जाएगा तो उन्हें किसानों का
आय दोगुनी कैसे होगी उसका जवाब देना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का 2022 अभी तक नहीं आया, और जिस तरीके से अन्याय हो रहा है हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस देश में प्रधानमंत्री जी ने ये कहा हो कि अन्ना पशु सड़क पर है, अन्ना पशु से किसानों का नुकसान है, उस प्रदेश में कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है, किसी न किसी का जान जा रही है। फिरोजाबाद में आज खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम राडीला, बता दें कि रामलीला चौराहे स्थित दुकानों पर सैंपल लेने पहुंची, जिसके बाद व्यापार मंडल के लोग इकट्ठा हो गए और अधिकारियों पर 20,000 की रिश्वत मांगने के आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया है। वहीं सूचना पर पहुंचे फूड असिस्टेंट कमिश्नर के जांच कर कार्रवाई करने के आश्वासन दिया है। मामला फिरोजाबाद के रामलीला चौराहे के पास स्थित, बता दें कि चुन्नी के दुकान का बताया जा रहा है। आज में यहां पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम खाद्य सामग्रियों की जांच करने के लिए पहुंची थी और कई प्रकार के सैंपल लेने के आरोप भी इस दौरान लिए गए, और साथ ही कई आरोपों के बाद यहां पर टीम पहुंची और इस दौरान तमाम तरीके के सैंपल लिए गए। मामला क्या है? लोगों ने पैसे मांगे। कौन कौन लोग आए थे? फूड इंस्पेक्टर बता रहे हैं, इन्होंने पैसे मांगे, पैसे नहीं दिए तो हम वीडियो बनाते। कितने पैसे मांगे? 20,000। क्या ही के मांगे, क्या वजह क्या थी? सामान सैंपल ले लिया हमारा और कहते हैं पैसे दो तब बात खत्म होगी। साइन करा रहे थे, साइन की मना करती तो कहते हैं वीडियो बना रहा हूँ तेरी, अब तू रुक जा, अब देखता है। 20,000 रुपए लेकर के चेकिंग की जा रही है व्यापारी से। 20,000 रुपए लिए? देखिए ऐसा ही है, पूरे प्रदेश में सरकार के आदेश पे सर्वे सैंपल हो रहे हैं जिन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। ये इसलिए कराया जा रहा है जिससे कि गुणवत्ता बनी रहे और व्यापारी को कोई परेशानी ना हो, जो निर्माता है उनको सही कराया जा सके। लेकिन इनका आरोप है कि ये सैंपल लेने आए थे और सैंपल लेने के दौरान इन्होंने इनको धमकाया या पैसे की मांग की, आप उसका लिखित प्रार्थना पत्र ले रहे हैं और इनके खिलाफ जो सही होगा। बलरामपुर में सपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान की मानहानि के एक मुकदमे में मुंबई के मेट्रो, बता दें कि मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में पेशी थी, जिसके लिए आजम खान को दिल्ली एयरपोर्ट से मुंबई के लिए रवाना हुए थे, और इसी बीच किसी ने आजम खान का एयरपोर्ट में एंट्री करते हुए वीडियो बनाकर अभद्र भाषा के तरह तरह के आरोप लगाते हुए वीडियो में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिस पर आजम खान की पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा, पूर्व विधायक, पूर्व राज्यसभा सदस्य ने नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। ये कहना चाहती हूँ कि क्या आजम खान साहब की छवि को, उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान को ठेस पहुँचाने के लिए, उसे नुकसान पहुँचाने के लिए इस हद तक भी लोग गिर सकते हैं कि आजम खान साहब को कल बॉम्बे कोर्ट में उन्हें बुलाया गया था, बाकायदा सम्मन था, सम्मन यहाँ की कोर्ट में रिसीव करा दिया गया था और कल वो कोर्ट में वहाँ अपीयर हुए थे, लेकिन कुछ शरपसंद लोगों ने यहाँ एक ऐसा वीडियो वायरल किया है। फिरोजाबाद में दिनों दिन फोटो चालकों का आतंक बढ़ता जा रहा है, आम जनता का सड़क पर पैदल चलना दूभर हो गया है। आज सड़क किनारे पैदल चल रही एक बुजुर्ग महिला को एक ऑटो ने पीछे से टक्कर मार दी। घटना में बुजुर्ग महिला जमीन पर ही गंभीर घायल हो गई। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल को बुजुर्ग महिला को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया, और बता दें कि इस दौरान महिला की हालत सही बनी हुई है। मेरा नाम राजू यादव है। राजू भी अभी क्या घटना हो गई थी यहाँ पर? यहाँ अम्मा को कोई एक घंटा पहले इनको एक्सीडेंट मार गया है। अम्मा जी यहीं पड़ी थी जब हम आए यहाँ आधा घंटे पहले, तो हमने देखा कि एम्बुलेंस को फोन किया, कभी कहते जाम है, कभी वहाँ है, कभी ये लोग आए, जब इनको हम आगे। अच्छा जी, कुछ पता लगा कहाँ की है? कहाँ? अम्मा रियावली के पास की बता रही है। अच्छा, किसने टक्कर मार दी थी? कोई ऑटो वाला मार के गया है। अम्मा जी का कहना है कि टम्पू वाला कोई एक्सीडेंट कर गया है। अब इनको कहाँ भेजा गया है? अभी इनको हॉस्पिटल भेजा गया है, यहाँ पे ये लगे अभी सरकारी हॉस्पिटल।
औरैया रेडीमेड की दो दुकानों में लगी भीषण आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। आग पर काबू पाने के लिए लोग कोशिश करते रहे। इसी बीच लोगों ने इस घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया है, तब जाकर लाखों का सामान जलकर बता दे इस दौरान खाक हो गया था। मामला औरैया सदर के संजय गेट के पास का बताया जा रहा है। यूपी के फतेहपुर जिले के धाता थाना क्षेत्र के जज्जर विद्युत हाईटेंशन तार टूटकर खेत में गिरने से करंट की चपेट में आने से एक मवेशी, बता दें कि इस दौरान मवेशी हाँकने गए बालक की मौत हो गई है। ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए 3 घंटे तक शव नहीं उठाया और साथ ही जमकर हंगामा किया। वही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया है और साथ ही आश्वासन दिया है कि मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। और बता दें आपको कि इस दौरान एक हाई टेंशन तार जर्जर स्थिति में था, वो टूटकर गिर जाने से एक बच्चे की मौत हो गई है। ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया है, पुलिस वहां मौके पर पहुंचे और आश्वासन देते हुए नजर आए हैं। चलिए अब बात करते हैं मुरादाबाद में चली ट्रेन में एक सामुदायिक विशेष के एक यात्री की बड़ी बेदर्दी से पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है और साथ ही बता दें कि जिसमें कुछ लोग एक व्यक्ति के कपड़े उतार कर बेल्ट से पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली के प्रतापगढ़ जा रही पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन में एक धर्म विशेष के यात्री की कुछ लोगों ने पिटाई कर चोरी का आरोप लगाते हुए साथ साथ धार्मिक नारे ना लगाने के चलते मुरादाबाद के ट्रेन में चढ़े यात्रियों को बुरी तरह से बेल्टों से मारा है, लेकिन ट्रेन में सारी यात्री सिर्फ तमाशा देखते रहे। कोई यात्री ने उस यात्री को बचाने के लिए नहीं आए हैं। आरोप है कि 2 यात्रियों ने इस यात्री को इतना मारा कि वो यात्री बेहोशी की स्थिति में आ गए, जिसके बाद एक अन्य यात्री की मदद से पीड़ित यात्री मुरादाबाद ट्रेन स्टेशन पर उतर कर बता दें कि इस दौरान युवकों का जीआरपी स्क्वाड ने बरेली रेलवे स्टेशन पर उतार लिया और हिरासत में ले लिया है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद इसे संज्ञान में लिया गया। और आपने तस्वीरों में देखा किस तरीके से 2 यात्री के साथ मारपीट की घटना ये सामने आई है। और अब खबर आगरा से है, जहां बता दें कि प्रवीण तोगड़िया जो है आगरा पहुंचे हैं और साथ ही इस दौरान उन्होंने बता दें कि कहा है कि मुसलमान है सुरक्षित। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने स्वागत समारोह के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश में मुसलमान डबल सुरक्षित है जबकि हिंदू असुरक्षित है। वे बोले कि क्या हमारी बेटी श्रद्धा के 35 टुकड़े पहले कभी हुए थे? कश्मीरी घाटी में टारगेट किलिंग पहले कभी देखा गया था? हिंदू की चिंता करने वाला अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के अलावा भारत में कोई और नहीं है, जबकि मुसलमानों की वकालत करने वाले वकीलों की चेरुड़ी लगी हुई है, सेंचुरी लगी हुई है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता देश में 5 करोड़ रुपए हिंदू परिवारों से मिलने के लिए उनकी सकुशलता जानना चाहेंगे। प्रधानमंत्री के डिजिटल भारत के सपने के असर अब शादी विवाह में भी नजर आने लगे हैं। वैसे तो शादी विवाह में शगुन के तौर पर गिफ्ट और लिफाफे में कैश गिफ्ट देना आम बात है, लेकिन एक शादी समारोह में न्योता लेने के लिए बता दें QR कोड लगाया गया है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। आप मनचाही रकम QR कोड में स्कैन कर दूल्हे और दुल्हन के खाते में सीधा भेज सकते हैं। ना लिफाफे की झंझट है ना कैश की चिंता। पहली बार शादी में न्योता देने के लिए लगाए गए ऐसे QR कोड से डिजिटल पेमेंट लेने की लोग सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। हरदोई के लोनार थाने के बता दें कि जगदीशपुर निवासी 22 वर्षीय योगेंद्र यादव पुत्र राजेश यादव के शव वहीं बता दें कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के पीछे एक पेड़ से लटका हुआ देखा गया है। इसका पता चलते ही आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं मामला सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और इस दौरान पुलिस अब मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है।
कहते हैं कि शिक्षा में सबसे ज्यादा ताकत होती है, जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। ऐसा ही कुछ जीता जागता उदाहरण उन्नाव जनपद में देखने को मिला, जहां एक युवक ने पहले अपने जीवन को सफल बनाने के लिए एक सपना देखा, वही IAS बनने का जिसने युवक ने मन लगाकर पूरी पढ़ाई की और साथ ही पढ़ाई करने के बाद युवक नौकरी पाने की उम्मीद से दिल्ली की ओर चल पड़ा। लेकिन अपने इस सपने को लेकर युवक कुछ खास नहीं कर सका। IAS का सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन कई बच्चों का IAS बनने का सपना युवक ने देखा और अपने दोस्तों को कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक IAS की कोचिंग शुरू की और वो गरीब बच्चों को आर्थिक तंगी या किसी अन्य कारण वर्ष अपने सपने को पूरा कर पाने को लेकर उन सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश करता रहा और आज वो सफल हो गया है। और आपने देखा किस तरीके से एक व्यक्ति ने IAS बनने का सपना देखा, लेकिन उसका ये सपना पूरा नहीं हो पाया, लेकिन उसने किस तरीके से कोचिंग क्लास के द्वारा बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को इसको लेकर प्रेरित किया, गरीब बच्चों को पढ़ाया और किस तरीके से वे आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं। और अब बात करते हैं अमेठी की, जहाँ पर बता दें कि जगदीशपुर क्षेत्र के डेनेश्वर धाम पर बना नवनिर्मित पीपापुर का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के प्रतिनिधि विजय गुप्ता और जगदीशपुर विधानसभा विधायक सुरेश पासी द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि 29 ग्राम सभा के 2000 ग्रामीण किसानों ने विधायक सुरेश पासी के पुल बनाने की मांग की थी। पुल निर्माण न होने के कारण ग्रामीणों को 28 किलोमीटर घूमकर रास्ता तय करना पड़ता था। पीपे पुल का उद्घाटन किया है, इससे क्या फायदा होगा? आज पवित्र पावन स्थान भोलेनाथ का चंडेश्वर और नदी पास श्वेतवरा दोनों स्थान पर लोग तीर्थ आते थे तो जा नहीं पाते थे। पीपे के पुल बनने से दोनों तीर्थ स्थानों का हमारे महत्व भी बढ़ेगा और हम सब की लोकप्रिय सांसद दीदी स्मृति ईरानी जी के अथक प्रयास और परिश्रम से हमने वादा किया और दीदी जी ने उसको पूरा करने का काम किया। जो आज पीपे का पुल बनकर उसको चालू हो गया, उसका उद्घाटन करने के लिए हमारे दीदी के प्रतिनिधि विजय गुप्ता जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हलियापुर के प्रमुख रविंद्र सिंह जी, जगदीशपुर के प्रमुख राजेश विक्रम जी, आज ये बहुत बड़ी सौगात हमारे क्षेत्र को मिली है कि 15 किलोमीटर की दूरी मात्र 500 मीटर में समेट के रह गई। अब खबर गाजीपुर से है, जहां पर गंगा विलास क्रूज पर कल PM ने वाराणसी से रवाना किया है। कल शाम क्रूज गाजीपुर के बता दें कि जामनिया पहुंचा था और वहां रात्रि विश्राम के बाद आज सुबह करीब 10:30 मुख्यालय स्थित रजागंज जेटी पर पहुंचा। वहां पर विदेशी सैलानियों का स्वागत जिलाधिकारी आयका अखौड़ी ने किया है। गंगा विलास क्रूज से आने वाले हमारे जो विदेशी पर्यटक हैं उनका आज यहाँ पर गाजीपुर में लॉर्ड कार्नवालिस के मकबरे पर आज उनका स्वागत किया गया है और यहाँ का जो स्थानीय लोक नृत्य है धोबिया उसका इनके सामने प्रदर्शन भी कराया गया है और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर लॉर्ड कार्नवालिस के मकबरे का भ्रमण किया है। उनको यहाँ के ऐतिहासिक परिदृश्य के बारे में बताया गया है और अब इसके बाद ये लोग वापस गंगा विलास क्रूज के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। कैसे वहाँ से चले सर, कैसे जाएंगे फिर? ये लोग, इन लोगों ने ई रिक्शा का प्रयोग किया था और ये लोकल यहाँ की संस्कृति को और यहाँ के पर्यटन को समझना चाह रहे थे तो इस वजह से ई रिक्शा का प्रयोग करके ये लोग यहाँ से आए और उसी के माध्यम से लोग वापस जा रहे हैं। सर क्या उसके बाद फिर क्रूज निकल जाएगा? जी चलिए अब खबर बांदा से आपको बता देती हूँ, जहाँ प्रेमिका की वो पाने के लिए पतले सूत की रस्सी पर चलकर नदी पार करते समय जान गवा बैठा युवक नटबली की याद में एक बार फिर से आशिकों का मेला तैयार किया गया है। शनिवार को कैन नदी और भूरागढ़ दुर्ग के बीच स्थित युवा नटबली और उनकी प्रेमिका की याद में बने मंदिरों का पर मेला लगेगा और प्रेमी प्रेमिका इस मेले के बेसब्री से इंतजार करते हैं। क्या मामला है? मामला भैया ये है कि रेहड़ी पटरी दुकानदार ठगी के शिकार हुए। 1,60,000 से 1,90,000 तक दुकानों की वसूली की गई, पैसे लिए गए, नगर पालिका द्वारा कागज बनाए गए, JMB सोल्यूशन जो लखनऊ का है कंपनी उसके द्वारा हम लोगों को ये कागज बना के दिए गए, दुकानें दी गई,
6-7 महीना लगा पाए, काम उस पर कर पाए, कोरोना के कारण काम भी नहीं चल पाया। उसके बाद 27 अप्रैल को दुकानें हटा करके रामलीला मैदान में डाल दी गई। लावारिशों के तरीके से माल भरा भराया, ना हमको कोई सूचना दी गई कि माल हटा लीजिए, और ना हमारी कोई बात सुनी गई, ना कोई कागज देखे गए, और यहाँ पे उठा के डाल दी। अब ये रामलीला होने के बाद में ये समझ लो, आज हम जिला अधिकारी के पास वही अपनी वेटिंग जोन की समस्या लेके 8 महीने से उन्नाव के हर अधिकारी के पास दौड़ रहे हैं, मगर हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। ऐसा कोई उन्नाव का अधिकारी ऐसा कोई नहीं जिसके लिए हम लोगों ने इंसाफ के लिए भीख नहीं मांगी हो, मगर हमें यहाँ इंसाफ नहीं मिला। आप खुद देख सकते हैं ये दुकानों की हालत क्या कर दिया है। 1,60,000 रुपये, 1,90,000 रुपये दुकान के पैसे लिए। नगर पालिका ने हमें ये कागज दिए, अब नगर पालिका कहती है ये कागज अवैध है। ये नगर पालिका के कागज किस तरह से अवैध हो सकते हैं? अगर नगर पालिका के ईओ की मोहर है, साइन है, और नगर पालिका लिखा, इस कागज को कैसे अवैध कर सकते हैं? हमने यहाँ पे क्या, हमने दौड़ दौड़ के हमें उन्नाव में जिस नगर पालिका ने पहले व्यापारियों को मोटी रकम लेकर जिन दुकानों को का बीज कराया था, आज वही दुकानदार दर दर भटकने को मोहताज है। मामला उन्नाव के नगर पालिका परिषद का है, जहां पर दुकान आवंटन के नाम पर लोगों से पहले तो लाखों रुपए लेकर लिए गए हैं और उन्हें दुकान आवंटित की गई है, फिर उन्हीं की दुकानों को अवैध बताकर बुलडोजर चलवा दिया गया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।